वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाए, जमुनी वाल साथी और सलवन गुरु साथी भाई सुबह मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह, मेरी कैसे साथी आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाई सुबह मानवता उठाते। साथी हो, आप सभी जानते हैं कि हम हर बार कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं, तो आज हम पंजाब के बारे में 5 खबरों के ऊपर बात करेंगे। आज में हमारे साथ में जो सुखदेव सिंह जी बैठे हैं, इनका इंटरव्यू पहले भी हमने 2 बार ले चुके हैं, तो इन पर आज 5 बातों के ऊपर हम इनसे तबसर लेंगे कि 5 जो घटनाएं घटी हैं या मतलब 5 जो बातें सामने आई हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद सवाल जवाब करते हैं। जी सुखदेव सिंह जी, आपका वाई सुबह मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। मेघराज सिंह जी, आपका, आपके दर्शकों का, सुनने वालों का, सबका, सबको वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी देखिए, मतलब जैसे जो पहला अगर सवाल करते हैं, जो जो परमराज सिंह जो उमरा नंगड़ है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसकी मतलब बहुत आईजीएस हो रही है इसको। मेघराज सिंह जी, इसका क्या है कि इसके दादाजी थे, हाँ जी, इसके दादाजी थे, वो अपने आप को कहते थे पक्के खालिस्तानी। जीवन सिंह उमरा नंगल नाम था उनका। जब खालिस्तान की लहर शुरू हुई थी ना, आप यकीन करेंगे जी, तो ये जीवन सिंह सबसे आगे थे। लोग सोचते थे इस जैसा खालिस्तानी कोई नहीं है, इस जैसा कट्टर सिख ही कोई नहीं है, इस जैसा सिखों का हमदर्दी कोई नहीं है, इस जैसा सिखी वाला प्यार ही किसी में नहीं है। ये बढ़ चढ़ के आगे खालिस्तान की बातें करते थे जी, जीवन सिंह। लेकिन क्या था बीच में, बाद में पता चला, ये सरकार के थे, कौम के नहीं थे, ये सरकार के थे। उन्हीं का ये पोता है उमरा नगर। हाँ, ये बादल सरकार में डीएसपी भर्ती हुआ था डायरेक्ट जी। इसने, आप यकीन मानेंगे, मुझे तो पूरी होश है, इसने इतना जुल्म किया ना कि शरेआम सबको पता था ये गलत कर रहे हैं, अपने स्टारों के लिए, पैसों के लिए, इनाम के लिए, ये किसी को भी पकड़ के सरदार लड़कों को पूरी मार देते। बहुत, ये तो एक केस निकला है इसके, अगर खोज करे सरकार सही ढंग से, इसके लाखों केस हैं, लाखों केस हैं। फिर वजह ये, जिसको इन्होंने मारा वो कौन है? एक गरीब गुरु घर का सेवादार, रागी पाठी, उसको घर से बुला के ले गए। सिर्फ क्या, उसकी कद काठी मिलती थी, जिसके ऊपर इनाम था 20 लाख का, अच्छा, उसको करके घर से ले गए, जाके मार दिया। 20 लाख इनाम भी ले लिया, स्टार भी ले लिए, बादल के राज में, अपनी पंथक पार्टी जो श्रोमणी अकाली दल है उनके राज में, उन्होंने, उन्हीं की शह पे, उनका पीठ पे हाथ था इसके, किया केस लगा दिया उन्होंने। 29-30 साल के बाद आप हिसाब लगाओ, इतना वक्त लगा। अभी भी मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं होगा, इसको उस दिन किया अंदर उन्होंने, और दूसरे दिन इसकी जमानत मिल गई, इसको आ गया बाहर, जमानत पे आ गया। क्या करोगे आप? मतलब देखो ना, इतने मतलब कितने कतलेआम करा हुआ ना पंजाब में इनके हिसाब से, और वो ये ज्यादा केस सामने आ गया, सजा मिल भी गई, फिर बाहर आ गया ना, ये मतलब इनके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत काम कर रही है, इस करके ऐसा होता है। तो मैंने पुलिस वाले के बारे में समझ पाया, जैसा मैंने सुना है पुलिस वाले के बारे में, एक मतलब DIG था इधर का नाम, इधर का हरियाणा का, उसने एक बात बोली थी, शायद मैं बहुत अच्छी बात लगी थी, कहने की जो पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले ही जुल्म को ख़त्म करते हैं, पुलिस वाले ही जुल्म को बढ़ावा देते हैं, ये इसके ऊपर क्या ख्याल है आपका? देखिए, अगर पुलिस ईमानदार हो ना, सरकार ईमानदार हो, पुलिस ईमानदार हो, जुल्म हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप भी समझदार हैं, कभी नहीं हो सकता। ये जितना ये करते हैं, ये इनकी लालच, इनकी भूख कह सकते हैं, किसकी, स्टारों की, पैसों का लालच, उसके लिए सरकार के जिन सरकार में मंत्री बैठे हैं इनके अपने जी। ये उनका काम करते हैं, वो इनका कताली दोनों हाथों से बज रही है, ये कर रहे हैं ऐसे काम जी जी जी, बाकी सही कोई नहीं कर रहा, सब जुल्म ही कर रहे हैं। 80% पुलिस इस वक्त, चाहे वो पंजाब की है, चाहे हरियाणा की है, जुल्म ही कर रही है जी जी। साथियों, हम 4 खबरें और बताने वाले हैं, जिसमें 2 दिसंबर का महीना हमारे लिए सिखों के लिए मतलब कितना महत्वपूर्ण है, या इसके पीछे क्या इतिहास छुपा हुआ है, और जो है नंबर 3 जो है ना, भगवंत मान का जो बयान आया है 4 साहिबजादे के ऊपर, उनके बारे में बात करेंगे, और होम मिनिस्टर जो अमित शाह है उसने एक बयान दिया है उसके बारे में बात करेंगे, और सुखबीर बादल ने माफ़ी मांगी तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हम 4 खबरें और बताएंगे आपके साथ, साझा कर रहे हैं।
तो जैसे आप देखते हैं कि मतलब जो दिसंबर का महीना चल रहा है वे सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बाकी लोगों को तो पता नहीं है, मतलब जो साउथ इंडिया के लोग हमारे सुनते हैं प्रोग्राम को, इसमें क्या क्या कौन कौन सी खास बातें हुई हैं जो मतलब जो सुनने लायक हैं या बताने लायक हैं जी? अच्छा मेघराज जी, ये हमारा जो प्रोग्राम ना, ये मुझे कई दोस्त फ़ोन करते हैं, बोलते हैं यार आप पंजाबी में क्यों नहीं बोलते जी। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम ये प्रोग्राम हिंदी में इसलिए करते हैं कि हम बताना चाहते हैं उन लोगों को जो यूपी बिहार इस तरफ के पूर्व तरफ लाके, उनको बताना चाहते हैं, उनमें से कुछ कईयों को पंजाबी समझ नहीं आती, उनके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं हिंदी में। ये हमारी शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी कह सकते हो आप, अपना उनको बताने के लिए कहते हैं कि उनको भी पता लगे पंजाब में क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, सिख उन तक हमारी बात पहुँचे, इसलिए हम हिंदी में करते हैं। तो पंजाबी में करेंगे लेकिन ये करेंगे। उसके बाद ये दिसंबर का जो महीना ना, ये हमारे लिए इतना पवित्र महीना है कि इसकी कोई इसकी इंतहा नहीं है, इतना पवित्र महीना ये। इस महीने में क्या, इन 8-10 दिनों में जी दशमेश पिता के जो हमारे दसवें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका पूरा परिवार, उनके चारों साहबजादे, उनकी माता जी, उनके सिंह, उनके प्यारे जो सिंह थे उनके साथ, उनकी शहादत हुई है जी। ये वो दिसंबर, ये वो महीना है। इस महीने को हम तो बहुत ज़्यादा समझते हैं, ये हमारे लिए ऐसा महीना है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे ऐसा हमारा जुड़ा हुआ नाता सिख कौम का, ऐसा नाता जुड़ा हुआ है कि रूहानी तरीके से, दिल से, हमारे जज्बातों से ये महीना दिसंबर का महीना जुड़ा हुआ है जी। जी जी, जैसे मतलब देखते हैं कि गुरु जब ये तो बैराग का महीना समझ लो, जब भाई बैराग आता है लोगों में, मतलब हमारे सिख इसमें, तो अगर मतलब जब गुरु गोविंद सिंह जी ने जो संकल्प लिया था बाद में, जब चार साहबजादे शहीद हो गए, फिर उसके बाद में भी कहा था मुगलिया राज की जड़ पट्टी गई, ये मतलब कहा था, तो उन्होंने तो अभी सिख जो है ना, ऐसा इसके बाद में कौन सा प्रण ले ताकि मतलब ये जो एक सिखों के अंदर जज्बा भी जागे कुछ अपना राज की तरफ बढ़ने के लिए, क्या करना चाहिए सिखों को? जब तक सिख नहीं बनता, जब तक एक सिख नहीं बनता, खालसा नहीं बनता जी। तब तक इसका कोई हल नहीं है, तब तक ऐसा ही रहेगा। जब तक गुरु के बताए हुए मार्ग पे, उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हम, ये ऐसा ही रहेगा, सिखों के साथ ऐसा ही होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सिख खालसा बन जाए, जैसे गुरु जी ने कहा हुआ है, जिस दिन ये खालसा बन जाएगा उसी दिन सब दुनिया में भी, देश में भी, सब जगह अच्छी सरकारें, अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा करैक्टर वाले आदमी सब हो सकता है। सबसे पहले क्या कि जो गुरु जी ने बताया, दसवें पिता ने जो बताया, सिखों को खालसा बनना पड़ेगा। नहीं, खाल जब सिख है तो खालसा सिख में क्या अंतर है, थोड़ा बताएं। बड़ा अंतर है जी, बहुत अंतर है, खालसा सिख में बहुत अंतर है। एक सिंह के घर में जन्म ले लिया, जैसे मेरा नाम सुखदेव सिंह, मेरे घर में बेटा ने जन्म ले लिया, सिंह नाम रख दिया, वो तो सिख बन गया ना, सिख का, ये सिख का बेटा है, सरदार का बेटा है, खालसा तो नहीं ना है। खालसा वो तभी बनेगा जब गुरु के जो वचन है वो पूरे करेगा, अमृत छकेगा, झूठ छोड़ेगा, चोरी छोड़ेगा, बेईमानी छोड़ेगा, हर किसी के साथ प्यार से बात करेगा, हर के लिए दिल में प्यार रखेगा हर के लिए। तो ये तो सिख को भी नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना, मतलब झूठ बोलो, बेईमानी करनी, ये तो सिख को भी नहीं करना चाहिए फिर तो इसमें। करना तो किसी को भी नहीं चाहिए ना, बातें खत्म ये होती है ना, करना किसी को नहीं चाहिए जी। लेकिन जो हमारे गुरु जी ने बताया सिखों को, तो करना ही चाहिए जी। साथियों को बताने एक बात और भी बताना चाहता है इसमें, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की शहीदी हुई है, उन्होंने धर्म के लिए रक्षा, मतलब धर्म के लिए शहीदी दी है, उनको बहुत बड़े बड़े ऑफर भी दिए उन्होंने उस वक्त। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना भी है, बहुत सारे जैसे हिंदू बहुत सारे ऐसे वहम फैलाते हैं कि ये मुसलमानों ने कत्लेआम का किया सिखों का, जो है जो छोटे साहबजादे हैं उनके दोषी मुसलमान है, मतलब मुसलमान है या वो, तो इनके मतलब ये क्लियर कट है कि जो अगर वहाँ पर चंदू ना होता, मतलब वो क्या नाम है, गंगू ब्राह्मण एक सुचानंद जो ना होते तो वो शायद बच जाते। उन्होंने खास करके ये दोषी हैं, मुसलमान तो खैर जो दोषी हैं, लेकिन जो सबसे बड़े दोषी हैं गंगू ब्राह्मण। मुसलमान की बात नहीं है महाराज सिंह जी, बात हुकूमत की है जी, हुकूमत दोषी है,
जुल्म हुकूमत ने किया, मुसलमान ने किया, मुसलमान ने किया नहीं। ये भी खास बात है, समझने वाली है, मतलब हुकूमत जो है ना, वक्त की हुकूमत ने किया वो, तो शायद हुकूमत ने मुसलमानों के ऊपर भी खतरा बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा वक्त, उस वक्त की हुकूमत ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया। जैसे आप देख लेंगे जो आज हिंदू सरकार है, मतलब सरकार हिंदुओं की है, लेकिन हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म होते हैं, जब कर रहे हैं इनके। तो अगला सवाल मेरा ये है, जैसे हमने देखा है कि जो भगवंत मान की बात करते हैं, भगवंत मान ने भी एक बयान दिया है साहिबजादे के ऊपर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भगवंत मान एक ऐसा सीएम मिला है पंजाब को, लोगों ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। कैसे? इसकी बातों में आके, इसके झूठ फरेब में आके, इतनी हाई मेजोरिटी से इसको जिता दिया। अब इसका दिमाग यहीं पे आप देखिए, इस सीएम का, ये बोलता है मातम मनाएंगे 27 तारीख को, उस टाइम वक्त 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मातमी बिगल बजाएंगे, जबकि सिख मातम बनाते नहीं है शहीदों पे जी। सिख को तो फक्र है शहीदों पे, हमें तो मान है अपने शहीदों पे जी जी। हमें हमें हम तो ढूंढ के शहीदों को जाके ढूंढते हैं, उनको शहीदी को ढूंढते हैं हम, शहीदी से, शहीद होने से हम तो प्यार करते हैं जी जी। यानी कि भगवंत मान ने एक फोकट में वो तो मतलब बयानबाजी मार दिया उसने, लेकिन वो सिखों के हमदर्दी बनना चाह रहे होंगे शायद, लेकिन इसके पीछे जो बयान है वो ऐसा नहीं, वो उनकी गलत बात बोली उसने, सही नहीं है। तो सिखों ने शहीदियों को भी मतलब स्वीकार किया और जो है मतलब लड़ाई को स्वीकार किया, ये पिछड़ने वाले नहीं है, तो उसके बयान को हम कंडेम करते हैं कि भाई ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। शहीदी तो हमारी शान है, शहीद तो हमारे ताज हैं सिर के जी जी। अभी अगर मतलब सारे के सारे तो ये तो जो इशारा चलता है होम मिनिस्टर दिल्ली से इशारा चलता है, वो ही बोलते हैं ये, मतलब मेरे ख्याल से जो केजरीवाल है या सब कुछ है ये सब के सब पीछे ना कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। जो होम मिनिस्टर की बात करें, अगर अमित शाह की बात करें, अमित शाह ने भरी सभा में ये बोला है कि जो अपराधी है उसको, अगर वो अपराधी अपनी गलती माफ़ी नहीं मांगता है, उसको माफ़ करना नहीं चाहिए। उसने राजनों के लिए बोला है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उसने देखिए, ये जो हुकूमत है ना, कोई भी हुकूमत है, ये नहीं कोई भी हुकूमत है, उसके चरित्र, उसका दोहरा चरित्र होता है, अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग, सिखों के लिए तो बहुत ज़्यादा अलग। उसने ये कहा है राजवाना की फांसी की बात हो रही है, उसने कहा राजवाना कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने गलत किया है, जो अफसोस ही नहीं कर रहा तो उसको हम माफ़ नहीं करेंगे। तो अफसोस अगर उससे पूछे, कोई पूछे, गुजरात में जिनको छोड़ा आपने, गुजरात दोषियों को जिन्होंने रेप केस के जिनको छोड़ा है, उन्होंने बोला था कि हमसे गलती हुई है, वो तो जब बाहर निकले ढोल नगाड़े बजे उनके, उनके गलों में हार पड़े, उनको तो इलेक्शन भी लड़ाने की बात हो रही थी कि इनको इलेक्शन लाओ, एमपी बनाओ, एमएलए बनाओ, उनको उनको कैसे कर दिया तो इनके लिए। अभी देख ब्रज भूषण की जो बात है सामने, और लड़कियों के साथ मुझे देखो, वो भी देखो ना, उसको तो मंदिर बना दिया ना, तो इसको मतलब ये खुद की हराम खोरी से बाजी जाते, दूसरों को मतलब दोष देना जानते हैं, मतलब ऐसा है, दूसरों को सजा देनी देनी है, मतलब इसके नाम के अगर तड़ी पार भी लगता था, इसके नाम के अगर है एक तड़ी पार क्या, इनके बहुत केस हैं, बहुत केस हैं इनके, सब दुनिया जानती है, मैं क्या बताऊँ, सब जानते हैं इस बारे में, सब जानते हैं। उन मेरे बताने का फायदा कोई नहीं, टाइम खराब होने की बात है, इस इनके इतने क्रिमिनल केस हैं, सबको पता है, लेकिन सबके मुंह बंद है जी। मेरा आखिरी सवाल है ये कि जो सुखबीर सिंह बादल जो हैं, उन्होंने माफ़ी मांगने की बात रखी सामने, इसके इसके बारे में क्या ख्याल लगता है? सुखबीर बादल भी बड़ा कारीगर है, ये पार्टी है सुखबीर बादल की, श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल सुखबीर की नहीं है जी, ये सिखों की पार्टी है, ये पंथ की पार्टी है, ये बनाई थी पंथ के लिए, हाथ में आ गई प्रकाश सिंह बादल के, बन गई इनके घर की पार्टी, लोगों ने वोट दी, 3 बार सरकार बनाई इनकी, 5 बार सीएम रहा इनका बाप प्रकाश सिंह बादल जी। आप मानेंगे नहीं मेरा सिंह, आप यूपी से हैं, जितने जुल्म, जितने इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, जितने जुल्म इन्होंने किए ना, इस अकाली दल ने, इसने नहीं किए। सबसे बड़ा जो हमारा मसला बरगाड़ी वाला जी, इनका किया हुआ, वहां पे ये भी था उमरा नगर, इसने गोली चलाई थी, इसको स्पेशल दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लाया था, इसका डिस्ट्रिक्ट था ही नहीं वहां पे, इसको 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के 3 से उठा के लाया था, ये इनका इतना खास आदमी था, इसने आगे गोली चलाई, 2 आदमी, 2 सिंह शहीद हो गए थे,
जब दुनिया को पता चल गया कि भाई ये नहीं है, सिखों के हक में नहीं है, तो इनको लोगों ने इतनी बुरी तरह हराया कि इस बार इनके दो ही एमएलए जीते हैं, दो एमएलए जीते सिर्फ। कहां पे राज करने वाली पार्टी, सरकार पांच बार सीएम रहने वाला, हार गया ये, हार गया सीएम, हार गया सब, इनके सारे हार गए, इनको पता चल गया। अब ये इन्होंने सिर्फ पखंड किया, पखंड करके किया कि हमें कौम माफ कर दे, अगर अगली बार हम सरकार में आए तो हम जो पेंडिंग मसले हैं सिखों के कौम के उसको करेंगे। सब दुनिया जानती है ये करेंगे नहीं जी, ये तो सिर्फ इनका टैक्टिक है, एक बार लोगों को गुमराह करके, लोगों को जज्बाती करके एक बार सरकार बना ले, सीएम बन जाए। इन्होंने कर रहा कुछ भी नहीं है, ना किया है ना करना है, कुछ नहीं कर रहा इन्होंने। वो तो सारी सरकार ऐसे बोल रही, जब तक वोट नहीं मिलता इनको तब तक। अब राहुल गांधी को देख लो, राहुल गांधी भी मतलब जब तक वो सीएम मतलब नहीं बढ़ता तब तक वो घूम रहा है। मोदी ने क्या क्या बोला था, तो ये सबके सब सरकार। मान ने क्या क्या बोला, भगवंत मान ने बहुत बोला, इनका इनका कुछ दीन मजहब नहीं है। तो साथियों हम इतना कहना चाहते हैं, हमारा सिर्फ बात करने का तबसरा, मतलब जो हमने बात रखी है, इसका मतलब ये है कि हमने जो बात रखी है आप सभी के सामने सच्चाई रख दी है। इसके ये अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सच भी हो सकता है कुछ ना, हमने बात है सिर्फ ये रखे है कि अपने दिमाग को यूज करें कि सही क्या और गलत क्या है, क्योंकि आज जो है ना दिखाया कुछ और आता है और होता कुछ और है पीछे, तो बहुत कुछ ऐसा चलता है। जब तक आदमी सच्चाई और ईमानदारी पर नहीं चलता तब तक वो आदमी उस चीज़ को नहीं पहचान पाता है। तो याद रखिए, हम उठाएंगे गरीबों की आवाज़, मजलूम की आवाज़, और आने वाले वक्त पर फिर हम किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त जी, आपका सुखदेव सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे बेबाक बिल्कुल बिल्कुल जी आते रहेंगे, हम करते रहेंगे, हम उठाते रहेंगे बातें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।